झलक अशर्फ की। आह क्या गाना था, क्या डांस था, पर जिस पर फिदा होकर अल्लू ने डांस किया था वो है नेशनल क्रश। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जी हाँ, गूगल पर नेशनल क्रश टाइप करके देखा है कभी आपने? टाइप कीजिएगा, तमाम नामों में से एक सबसे ज्यादा चमकता हुआ नाम दिखेगा और वो होगा रश्मिका मंदाना का। इनके नेशनल क्रश बनने से पहले की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल काफी मुश्किल होता है हिंदी सिनेमा की हीरोइनों के सामने किसी और फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनों का चमकना। वजह कई है, पर फिर भी इस नेशनल क्रश ने करीना कटरीना सबको पीछे छोड़ते हुए अपनी एक अलग जगह बनाई, वो भी बी टाउन में। रश्मिका मंदाना 28 साल पहले 5 अप्रैल 1996 को पैदा हुई थी। कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे विराजपेट में रश्मिका की टोटल फिल्मों और फिर उनमें से कितनी हिट और कितनी फ्लॉप हुई इसका एवरेज निकाला जाए तो रिजल्ट में जो आता है वो अचंभे में डालने के लिए काफी है। रश्मिका की अब तक टोटल 25 फिल्मों में से करीब 70% फिल्में हिट हुई है। ये एवरेज ये बताने के लिए काफी है कि वो एक बहुत बड़े कद की एक्ट्रेस बन चुकी है। रश्मिका की शुरुआत 2016 की फिल्म किरिक पार्टी से हुई थी। महज 4 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया और रश्मिका के पास प्रोजेक्ट्स की लाइनें लग गई। रश्मिका को कॉलेज ज्वाइन किए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा कि उनके कॉलेज से ही उनको रिकमेंड किया गया कि उन्हें फ्रेश फेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके बाद रश्मिका ने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि ये कंपटीशन जीत भी गई। इसके बाद उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे। रश्मिका एक्टिव हो चुकी थी और यही वजह थी कि उन पर एक प्रोडक्शन हाउस की नजर पड़ी जो उन्हें अपनी फिल्म किरिक पार्टी में लेना चाहती थी। कहानी यही से दिलचस्प हो जाती है। रश्मिका ने जिस ऑफर को सिर्फ एक प्रैंक समझा वो असल में उनके लिए लाइफ चेंजिंग ऑफर बन गया। रश्मिका ने एक बार दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पहली फिल्म किरिक पार्टी कैसे मिली उन्हें। उन्होंने बताया, मेरे पास प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ रहा था और बताया जा रहा था कि उन्हें एक फिल्म में कास्ट करने का सोचा जा रहा है। मुझे लगा कि ये प्रैंक है तो मैंने उस नंबर को ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मैंने ये भी कहा कि मुझे कोई फिल्म विल नहीं करनी, इसीलिए फोन रखिए। रश्मिका आगे कहती है कि प्रोडक्शन हाउस की टीम मुझसे मिलने को इतनी बेताब थी कि वो मेरे घर वालों और दोस्तों को कॉल करने लगे, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो वो मेरे प्रोफेसर से मिलने तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे क्लास टीचर से मुलाकात की। मेरे टीचर ने मुझे समझाया तो मैं मान गई। ये बात साल 2016 की है जब रश्मिका सिर्फ 20 साल की थी। इसके बाद रश्मिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रश्मिका ने यजमान, भीष्म, सीतारमम जैसे तमाम हिट फिल्मों में काम करते करते एनिमल तक का उनका ब्लॉकबस्टर तक का सफर तय हुआ। पुष्पा फिल्म में उन्होंने बिना ग्लैमर के ही सबके दिलों पर राज कर लिया। जी हाँ, श्री बल्ली गाने में उनको देखकर सबके दिल धड़कने लगे और फैंस जो हैं वो अपने आप ही उनसे जुड़ने लगे। सोचिए, जब करीना कैटरीना और दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पहले से ही अपने पैर जमाए हुए हैं, वहाँ अपने लिए एक जगह खोज निकालना बड़ी बात है। और ये बड़ी बात जो हुई है उसे रश्मिका मंदाना ने ही खुद साबित कर दिया करके और इन सब के बीच में अपने एक अलग पहचान बनाकर। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें फ्रेश भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।